Rawalpindi Express has left the station. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो ऑफ द यूट्यूब चैनल। मैच बहरहाल आपने देख लिया है। बारिश की दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि हमारी जान छूट जाए। ऐसा नहीं, जान ऐसी जान नहीं छूटती हमारी। आपको पता ही है कि पाकिस्तान लॉस द गेम और ह्यूमिलेटिंग लॉस इसे कहा जा सकता है। पाकिस्तान इज 128 रन पे ऑल आउट। वरिंग साइन कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी विकेट पे बैटिंग ट्रैक के ऊपर टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला क्यों किया और इतनी बड़ी टीम इंडिया को वापस आने की इजाजत क्यों दी। थोड़ा ऑड था मेरे लिए फैसला और उसका रिजल्ट भी आप देख लें। एनीवेज, एक मैच से पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को बाहर ही निकाल जा सकता और एक मैच से इंडिया को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, इंडिया ने वेल डिजर्व विक्ट्री और बहुत अच्छा खेला और चारों निशाने कहते हैं चित कर दिए। वैसे इंडिया ने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, लेकिन सबसे अच्छी बात इंडिया की ये रही कि इंडिया की बॉलिंग ने मेक श्योर किया कि हम अपने अच्छे पूरे एटीट्यूड के साथ आएंगे और हम विकटें लेंगे और हम जल्दी आउट करेंगे। जिसके प्रोसेस में बॉलें लगी भी, आउट भी किए, सो दैट वाज अ वेरी वेरी इनकरेजिंग साइन फॉर मी एज अ फास्ट बॉलर। जसप्रीत अगेन बुमराह टॉक ऑफ द टाउन है, हमेशा रहता है। बहुत अच्छा स्पेल किया सराज ने, बुमराह ने बहुत अच्छा स्पेल किया। कुलदीप पे आता हूँ भी, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल किया। थोड़ा मेरे लिए वरिंग पॉइंट ये था कि हारिस रौइफ अनफिट हुआ, जसप्रीत ने पूरे ओवर नहीं किए, सेकेंड स्पेल नहीं किया, हैमस्ट्रिंग में उनको क्या प्रॉब्लम आया। देखिए यार, इन बच्चों का कसूर नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को भी देखें और इंडिया की बॉलिंग को भी देखें, स्पेशली पाकिस्तान की, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन यार ये कितने वनडे खेले हैं टोटल, 13, 14, 15 वनडे टोटल खेले होंगे पूरे साल में। सो रिमेम्बरिंग बैक इन डेज वसीम वकार भाई जितने, ये तो सीजन में 500-600 ओवर किया करते थे, अब तो 10 ओवर क्या चीज़ें हैं। सो 10 ओवर करने के लिए वो जान चाहिए होती, वो ताकत चाहिए होती, वो सेकंड स्पेल में आपको जोर चाहिए होता, वो मेरे ख्याल में मसल मेमोरी अभी है नहीं इन बच्चों के पास। और बहुत सारे T20 क्रिकेट खेलते हैं, मैं बार बार यही कहता रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, 4 ओवर के बॉलर नहीं, 10 ओवर के बॉलर बनना है। इट्स अ डाइंग आर्ट्स, अ डाइंग ब्रीड। जो 10 ओवर की क्रिकेट खेल सके, होती भी काम है, गिला भी क्या करना है बच्चों से। लेकिन हैट्स ऑफ टू अगेन इंडिया, कोहली मेरा ग्रेट कम बैक अगेन, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। केएल राहुल, फिर सारू ने, उन्होंने भी सेंचुरी की और डिग इन किया, क्यों जब बच्चों को सीखना चाहिए कि जब विराट कोहली रन करता तो फिर वो लंबी बारी खेलते हैं, लंबी बारी। अगर इनके पास ज़्यादा ओवर होते और भी लंबा जाते, 150 खेलते। इंडिया के पास ये स्ट्रेंथ है कि वो पेयर्स में आके, 6 पेयर्स में आके वो कहीं भी रन कर सकते हैं। सो इंडिया इज़ वेल डिजर्व्ड और बहुत ठीक ठाक किस्म का फेंटा दिया पाकिस्तान को उन्होंने, और पाकिस्तान थॉरली डिजर्व व्हाट हैपेंड टू देम। और मेरे ख्याल से कि मुझे ये अच्छा लगा कि इंडिया ने कॉम्प्रहेंसिवली ये जी अपने नाम हासिल की और वेल डन इंडिया, वेल डन कुलदीप। कुलदीप को तो कभी बाहर करना ही नहीं चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आई चहल और कुलदीप टीम से बाहर क्यों हैं। आज उन्होंने बता दिया, दिखा दिया कि वाई इज कुलदीप इज द बेस्ट विनर इन टाउन। सो वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा खेला आपने। मैच इज ऑन अगेन। एक मैच से ना इंडिया बुरी टीम हो जाती है ना एक पाकिस्तान बुरी टीम हो जाती है। सो मेरे ख्याल से अब फाइनल में दोनों टीमों को पहुंचना है और फाइनल में एटीट्यूड का मुकाबला होगा, नर्व का मुकाबला होगा, फिर आपके साथ ये मुकाबला होगा यार कौन बेहतर है, यार हम हैं कि नहीं, आप भी हैं कि नहीं। सो गुड जॉब कि दोनों टीमें एट पार हैं। इंडिया लुक लाइक द डोमिनेटिंग साइड टुडे, वेरी वेरी कन्विंसिंगली फेंटा दिया उन्होंने पाकिस्तान को। वेल डन इंडिया और पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ स्ट्रांग कम बैक। आई थिंक दे विल मेक अ स्ट्रांग कम बैक।
डिसीजन मेकिंग यार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो फास्ट बॉलिंग में चेंजेस हों, टॉस जीत के बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, यार इतना आपको स्मार्ट होना चाहिए, इतना एज अ मैनेजमेंट, एज अ कैप्टन, आपको सारी टीम आपको स्मार्ट होना चाहिए कि यार हमने करना क्या है। तो इतनी बड़ी टीम को आपने कम बैक नहीं करवाना बड़े मैचेस में। जब आप कम बैक करवाओगे तो यही होगा कि वो छोटे प्लेयर नहीं है, इंडियन प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर हैं। सो फ्लैट ट्रैक के ऊपर बॉलिंग करना, इंडिया को चांस देना, वाज कमिटिंग अ सुसाइड लिटरली। बट एनीवेज, हो जाती गलतियाँ, लेकिन यार ये गलतियाँ क्रूशल होती हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे आगे चला जाए, सीखा जाए ताकि आगे इससे बेहतरी आए। मैं चाहता हूँ यार इंडिया पाकिस्तान ना हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड कप हो रहा हो तो ये दोनों टीमें फोर फ्रंट पे हों, रादर देन ये बाहर निकली हो। सो वेल डन इंडिया अगेन, हैट्स ऑफ टू यू। एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।